हूँ मैं दोस्तों दसना चाहना कि भगवंत मान ने पिछले दिन पजामा भी लबेड़िया औखा सौखा भी होया बहुत दसन की कोशिश की जो 750 करोड़ रुपया मीडिया से पब्लिसिटी के ना खर्च किए पैण तो भगवंत मान अपना पहुंचा लबेड़ना ही नहीं पैना सी और गल होने आ गई कि मगरलियां सरकार भी निकमिया रही ये सरकार ड्यूटी बाउंड है कि इन्होंने रिव्यू मीटिंग्स कर दिया होंगे और जी कहते कि असं बदलना सिस्टम में लिया कुछ भी नहीं बदलिया जिद सारा सतलुज के ब्यास का जो ओवरफ्लो से काफ़ी व्डा हिस्सा पाकिस्तान निकल गया तो अपने आलिया ने कहता जी कि असी बंदी करती नहर की राजस्थान 100 जगह तो छोटे व्डे पा के बन टुटे ने ता करके पंजाब दे विच बहुत भारी नुकसान होया मेरा ख्याल है को 38 के करीब तो मौत हुई पंजाब दे विच इस फ्लडिंग नाल फ्लड्स नाल और ये गैर कानूनी माइनिंग एक बहुत व्डा कारण हड़ां का भी बनता वा जो पंजाब नूं लोड़ सी नहरां सारियां बंद ने असी 35 सालों में कोई सबक नहीं सीखा तो ना होने वाले ने सीख्या JCB अरेंज होंदी आ फिर फोटो शूट अरेंज होंदा फिर ऑफिसर्स खड़े किए जाते हैं दैट इज़ ऑल ड्रामैटिक। दोस्तों इस वक्त असी हलका भलाथ का जिहड़ा तुसी बन है जिहड़ा साडा एक तो अच्छी गल तुहानूं दसना चाहुंदा कि असी तकरीबन कोई 30 किलोमीटर नवी सड़क बनवाई सी पिछली सरकार वेले जिहड़े कि तुसी बन नूं राइट फ्रॉम श्री हरगोबिंदपुर के पुल तो लैके ढिलवां GT रोड के पुल तक सानूं कनैक्ट किया सीगा उस पॉइंट ते खड़े साडे पिछे जम्मू कटड़ा हाईवे जिहड़ा हैगा एक्सप्रैस वे बन रहा वा ये जम्मू कटड़ा का 350 किलोमीटर का पॉइंट आ साडे हल्के का इनू मंड तलवंडी कूका कहिंदे ने मंड कूका कह दिंदे ने और असी दरिया ब्यास के बंध के इधर अंदरले पासे काफ़ी दूर तक दरिया हैगा वा और दरिया दे विच हुण पानी जिहड़ा हैगा वह काफ़ी वध रहा बिकॉज पिछे डैम्स तो पानी जिहड़ा वा वह ब्यास दरिया विच रिलीज़ किया वा उहदे नाल मैं देखण आया सीगा कि हलका भलथ के जिहड़ा तुसी बंध के अंदरले पासे जिहड़े लोग रहिंदे ने मंड दे विच उहनां दा किन्ना नुकसान है हले तक साडा इत्थे बचाव आ लेकिन अज मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहुंदा एक बड़ी इंपोर्टेंट रिपोर्ट आ एक बड़ी अच्छी पत्रकार आ लेडी अंजू अग्निहोत्री चब्बा इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्टर है उन्हें बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट एक बनाई है कि ये जिहड़ा पंजाब दे विच कहर मचिया वा नुकसान होया इहदे कारण की ने और हुण सरकार नूं अगे जिहड़ा है इहदे की करना चाहिदा मोटे तौर पर अपने 3 दरिया ने जिन्हां दे तुसी बन्न बने हुए ने वैसे तो बहुत साल पहला कई दहाके सरदार प्रताप सिंह कैरों ने इन दरियावां नूं बन्न लाए सीगे एक दरिया आपां देखदे हां कि रावी है एक ब्यास है एक सतलुज है और एक दरिया घग्गर है जिहड़ा ज़्यादा नुकसान किया पटियाला संगरूर मूनक और लहरा इधरले इलाकों में जाके वह घग्गर सीगा एक नाल चिट्टी वही आ सो मोटे तौर पर इन दरियावां दा जिहड़े तुसी बंद बने हुए ने और इस रिपोर्ट मुताबक यह कहा गया कि अगर सरकार इन दरियावां दे बन्ना नूं टाइम सिर दी रिपेयर करदी मेनटेनेंस करदी ता ये इन्ना भारी नुकसान पैसे किन्ने खर्च होने सी 50 करोड़ रुपया जिहड़ा इहदा दरियावां दा जिहड़ा इमीजिएटली जिथे जिहड़े क्योंकि 100 दे करीब पॉइंट तो दरिया टुट गए ने वख-वख पंजाब दे मतलब घग्गर सतलुज ब्यास चिट्टी वेई ये वख-वख पॉइंट तो तकरीबन 100 जगह तो इहदे जिहड़े ब्रीचेस होए ने 100 जगह तो छोटे व्डे पा के बन टुटे ने ता करके पंजाब दे विच बहुत भारी नुकसान होया बारिश के नाल इन्ना नुकसान नहीं हुंदा बारिश जिहड़ी आ उह साडी धरती उहनूं कंज्यूम कर लैंदी बारिश नूं ये जिहड़ा तुसीं देख रहे हो चाहे 1988 च होया चाहे 2019 च होया या उस तो पहला जिहड़ा होया नुकसान ये जद भी पिछों पहाड़ा चों डैम्स पानी रिलीज़ करते हैं जिदा 2 लाख क्यूसिक रिलीज़ किया कल रावी और ब्यास दरियावां दे विच उहदे नाल जदों पानी आउंदा डाउन स्ट्रीम तो जदों कमज़ोर हुंदे ने तुसी बन वह जो टुटते हैं तो फिर वह बिल्कुल सिरा लग जाता है और इस नाल पंजाब दे विच इस तुसियां तुसी बन टुटण दे नाल रिवर एम्बैंकमेंट्स टुटण नाल मेरा ख्याल है को 38 के करीब तो मौत हुई पंजाब दे विच इस फ्लडिंग नाल फ्लड्स नाल और बहुत बेतहाशा पशुआं दीआं मौत हुई लखां एकड़ साडा जिहड़ा झोने दा ते होर फसलां जिहड़ियां ने पंजाब दे विच वो तबाह हुई ने और ये नाल नाल बहुत सारे लोगों के घर जिहड़े लो लाइंग एरिया से जिहड़े जिद्दां असी भरवाणा गए हैं सुल्तानपुर लोधी या गिद्दड़ पिंडी या जिहड़ा मूनक का एरिया इलाका हैगा मानसा बुढ़लाडा
इधरले पासे बहुत तबाही मची आ लोगों के घर की भी भारी नुकसान होया। हुण जिहड़ी रिपोर्ट की कहिंदी आ कि ये जिहड़े जिन्ने 900 किलोमीटर के करीब अपने जिहड़े तुसी बंध दे बन ने सारे दरियावां दे ते चिट्टी वेई दे 900 किलोमीटर लंबाई है। अगर तो इनू एनुअली सरकार रेगुलरली मेनटेन करे जिहदे वास्ते फंडस इरीगेशन ते ड्रेनेज डिपार्टमेंट नू बजट विच एलोकेशन हुंदी है, अगर वो पैसा सही लगता रहे सारे बन्नां नू प्रॉपरली मेनटेन किया जाए तो ये जिहड़े हड़ ने यह प्रिवेंट किए जा सकते, इन्हां नू बचाया जा सकता, क्योंकि जदों आपां नहीं करते उन्होंने रेगुलरली मेनटेन उत्थे फिर पहाड़ पैंदा वा ते पहाड़ जिहड़ा वा वह बहुत बेतहाशा जिहड़ा हैगा वह नुकसान जिहड़ा वा ये साढ़े फसलों का घर का जानी माली नुकसान पशुओं का हुंदा वा। हुण इस रिपोर्ट के मुताबिक यह भी दस्या गया कि बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग भी कारण है हड़ां का, जिन्ने तुसी बन जिन्ने दरिया के एम्बैंकमेंट्स ने बाहरले पासे अंदरले पासे उत्थे गैर कानूनी माइनिंग बहुत ज़्यादा हुई है। सरकार का काम हुंदा कि दरियावां की डीसिल्टिंग समय सिर करते रहना वा, और खास तौर पर जिदा साढ़े लागे एक पुल पैंदा वा ढिलवां जीटी रोड जिहड़ा अमृतसर का हाईवे हैगा उहदा जिहड़ा पुल हैगा उहदे थल्ले बहुत सिल्ट इकट्ठी हुई है, मिट्टी मिट्टी इकट्ठी हुई है। तो मैं अज इत्थे आया सीगा क्योंकि कुछ पिंडां च रिपोर्ट सारी कि साडियां फसलां खराब हो रहीयां, जदों जिहड़ा जीटी रोड दे उत्ते पुल ढिलवां दा उहदे नाल पाणी लगेगा जाके उत्थे ब्लॉकेड हुंदी आ, उह पाणी फिर रिवर्स विच आउंदा ते साडे जिहड़ा दरिया एम्बैंकमेंट के अंदर एरिया जिहड़ा मंड दा इलाका कहिंदे आ उहदे च बहुत भारी नुकसान हुंदा वा। और यह गैर कानूनी माइनिंग एक बहुत वड्डा कारण हड़ां दा वी बणदा वा। और इस रिपोर्ट मुताबक ये कहा गया वा कि सही मायनों में अगर 900 किलोमीटर सारे बन प्रॉपरली मेनटेन किए जान सारे दरियावां दे ते चिट्टी वेई दे ते 700 करोड़ रुपए का खर्चा वा। हुण मैं दोस्तों दसना चाहुंदा कि भगवंत मान ने पिछले दिनों पजामा भी लबेड़िया, औखा सौखा भी होया, बहुत दसण की कोशिश की, तो पब्लिसिटी पर कितना पैसा खर्च कर रही सरकार। मैं MLA हाँ, मैं तुहानू कहना चाहुंदा कि सरकार ने बजटरी एलोकेशन, मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिसिटी, इश्तहारबाजी, अखबारां, टीवी चैनल, मीडिया जिहड़े इन्हां ने पक्के कब्जे किए हुए ने, 750 करोड़ रुपया उहदे ते खर्चा किया जा रहा। हुण सोचो जे उह 750 करोड़ रुपया मीडिया ते पब्लिसिटी दे ना खर्च किए पैण तां भगवंत मान नूं अपना पहुँचा लबेड़ना ही नहीं पैना सीगा। ये 700 करोड़ रुपए का खर्चा सीगा, 900 किलोमीटर सारिया तुसी दे बन टोटल पंजाब दे विच लेंथ है, विचे चिट्टी वेई दी पा के सतलुज ब्यास और घग्गर दा पा के तो पंजाब दे विच भारी नुकसान नहीं होना, यह बहुत वड्डा सबक है। और गल हुण आ गई कि मगरलियां सरकारां भी निकम्मिया रही, ताइयो साडा 1988 छाड़ा आया, ताइयो 2019 आ रहे दरम्यान भी जिहड़े हो सकदा छोटे पैमाने के हड़ होए होणगे पर नुकसान बहुत वड्डा हुंदा वा, लेकिन उन्हां सरकारां ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन इस सरकार की कहिंदी सी कि असीं बदलना सब कुछ लिया के की बदलिया वा, ऐतकी हर साल जिहड़ा फ्लड्स की सिचुएशन करन वास्ते ये सरकार ड्यूटी बाउंड है कि इन्हां ने रिव्यू मीटिंग्स करनियां होंदियां हड़ रात, जिद्दां आपां कहिंदे कि मौनसून सीजन शुरू हुंदा वा, बरसात मौसम तकरीबन जून जुलाई दे विच आउंदा, ते 3-4 महीने पहलां सरकार नूं एक प्रॉपर रिव्यू करनी चाहीदी कि साडे बन्नां दी की हालत है, साडे दरियावां दी की हालत है, की डीसिल्टिंग होई आ, साडी नहरां दी की हालत है, किसे ने रिव्यू मीटिंग नहीं कीती। और अचानक जो पानी बारिश ज़्यादा पई तो पहाड़ों में ज़्यादा पई तो वो जो पानी सारा थल्ले रिलीज़ होया दरियावां दे विच्चों उन्हें जिहड़ा साडे तहश नहश कर दिता पंजाब दे विच, मैं अगर गलत ना होवां तो मैनूं लगदा कई हज़ारां करोड़ां रुपया का हो गया। अंग्रेजी च कहिंदे ने इट्स लाइक बीइंग पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, मतलब कि तुसीं आ जिहड़ा हुण भगवंत सिंह मान पजामा टंग के कुछ जिहड़े इन्हां दे MLA फोटोआं खिचाउंदे फिरदे ने भज्जे फिरदे ने छोटा मोटा समान देण लई, जे तुसीं पहलां ही समय सिर रिव्यू मीटिंग करके फ्लड कंट्रोल मेजर्स ले होंदे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस वास्ते पैसे दिंदी आ ते साडे सारे दरियावां दे तुसी बन्नां नूं मजबूत कीता हुंदा जिहड़े कि पहलां रेगुलरली मेनटेन हुंदे सीगे, हुण तां कोई बेलदार ही नहीं लभदा। जिहड़े पुराने पिंडां दे लोग आ सब नूं पता वा कि किस तरह हर साल जिहड़े तुसी बन्नां दी बकायदा तौर ते मेनटेनेंस, जिथे कि लगदा सीगा कि पहाड़ पै रहा कच्चा वा, मिट्टी लगदी सी, स्टड स्परिंग पत्थर जाल सब कुछ लगदा सी, लेकिन नथिंग इज़ हैपनिंग इन पंजाब। और जिहड़ी ये कहिंदे सी कि असीं बदलना सिस्टम नूं लिया के, कुछ भी नहीं बदलिया। और दूसरा ये जिहड़ियां साडियां नहरां जा रहियां इस वक्त इन्हां ने बंदी कीती होई आ जिहड़ी राजस्थान नूं नहरां जा रही, तो शुक्र करो पाकिस्तान ने हरी के बराज तो पानी ले लिया वा, उन्होंने अपने हेडवर्कस अपने फाटक चक दिते जिहदे नाल सारा सतलुज ते ब्यास का जिहड़ा ओवरफ्लो सीगा उहदा काफ़ी वड्डा हिस्सा पाकिस्तान नूं निकल गया, तो अपने आलिया ने कहता जी कि असीं बंदी करती नहरां दी राजस्थान नूं, जदों पंजाब नूं लोड़ आ उदों पानी बेतहाशा नक्को नक भरियां जा रहियां राजस्थान कनाल्स वगैरह सारियां, लेकिन हुण उन्होंने कहता जी असीं बंदी करती। मैं मिनिस्टर दे बयान सुन रहा सी, आखिया जी इहदी गार बहुत आवेगी, सानू गार नूं सफाई करन वास्ते
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਰ ਪਿਆਰੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੜਕ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਡਥ ਹੋਊਗੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਟੋਟਲ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਟੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਿੱਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈਪਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਔਰ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਆਣ ਕੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਫ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਤੇ, PWD ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂ ਪਲੈਨ ਰੋਡ ਜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਰੁਕਾਵਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ 1988 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਪਾਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ JCB ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਫਿਸਰਸ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਰਮੈਟਿਕਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਹ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਰੇਨ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਮਸ ਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਲੱਡਸ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਇੰਬੈਂਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਨੂੰ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।